अब मैं योग के प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे आता हूँ। तो शुरुआत में थोड़ा समाधि से कर रहा हूँ। योग की यात्रा व्याधि से शुरू होकर के समाधि तक जाती है, व्याधि का समाधान और समाधि से समाधान। खैर, आपको ध्यान लगाना है तो आप क्या कर सकते हैं? तो मैं कुछ आपको टेक्निक्स बता रहा हूँ, क्योंकि मेरी टेक्निक्स के लिए आपको कुछ पे नहीं करना है। भरत भाई जी ने पैसा कमाने का भी एक बहुत अच्छा तरीका बताया है, वो मुझे लगता है आज के युवाओं को इस तरफ भी आने में, मेरे से लोग पूछते हैं कोई पैसा लेकर के योग सिखाता है, स्टूडियो में योग सिखाता है, आप क्या कहेंगे? मैंने कहा अच्छी बात है, पैसा लेकर के अच्छी बात सिखा रहे हैं ना, पैसा लेकर के दारू तो नहीं पिला रहा ना। लोग पंप में जाते हो पैसा भी लेते हैं, माने पैसा भी खत्म सेहत भी खत्म। ये पैसा लेके सेहत तो देते हैं तो अच्छी बात है ना, वो भी, और खास करके जो बस जो है हाई फाई लोग ना, एक तो होता है लोअर मिडिल क्लास, एक तो पुअर पर्सन्स होते हैं, फिर लोअर मिडिल क्लास, मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, एक जिन लोगों की कोई क्लास ही नहीं होती ना, उन लोगों के लिए मैं तो कहता हूँ उन लोगों को 5-10 हज़ार नहीं, उनको 50-50 हज़ार रुपये लेकर के योग सिखाना चाहिए। भरत कह रहे हैं वही कर रहा हूँ। वो उन लोगों को, मैं भी जब विदेश में गया तो मैंने 50 हज़ार रुपये रखा यूके में, लोगों ने लाइन लगा करके, और वह मैंने डोनेशन के लिया था, उसी से पतंजलि योगपीठ हमने बनाया। तो 50 हज़ार लोग दे करके बड़े राजी होकर के आते थे। और मैं कितने बजे बुलाता हूँ? 5 बजे बुलाता हूँ। दुनिया में कहीं पर मैं योग कैंप करता हूँ 5 बजे करता हूँ। लोग बोलते थे 5 बजे कोई नहीं आएगा। मैंने कहा जो नहीं आएगा कोई बात नहीं, जो आएगा उसको आने दो। आज तक करीब 20 करोड़ लोगों के मैं शिविर कर चुका हूँ, 20 करोड़ लोगों के। लोग कहते हैं लोग योग में नहीं आते, क्यों नहीं आते? आते। तो चलो आपको मैं कुछ टेक्निक सब बताता हूँ। एक तो समाधि लगाई जाती है विचार से, मैं उसको बोलता हूँ, ऋषियों की भाषा में बोल रहा हूँ, सविचार समाधि, सविकल्प समाधि, संप्रज्ञात समाधि, सबीज समाधि। विचार पूर्वक इसको आपकी भाषा में बोले तो संकल्प समाधि, संकल्प किया और समाधि लग गई। इसका अभ्यास करना पड़ता है। मैं हर एक जगह इस संकल्प को देखता हूँ। जैसे मैंने संकल्प किया हुआ है मुझे कोका कोला पेप्सी नहीं पीना, मुझे बर्गर पिज्जा नहीं खाना, 18 साल मैंने अनाज भी नहीं खाया तो मुझे स्वप्न में भी अनाज खाने का सपना भी नहीं आया। मैंने तय कर लिया ये करना है ये नहीं करना है। ये तो हुआ आहार के बारे में, मुझे मांसाहार नहीं करना, नहीं करना, मुझे 2 बार खाना 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 है। अभी मैंने 9 दिन खाना नहीं खाया, मैंने सोचा कि मुझे नहीं खाना, नहीं खाना है, कोई एजिटेशन नहीं किया था। ऐसी आप लोगों को जिनको बहुत पतला होना उसके लिए बताता हूँ, मैं कुछ लोगों को जब थोड़ा मोटा देखता हूँ ना, राजीव भाई आपके लिए नहीं कह रहा हूँ, तो मैं किसी को मोटा देखता हूँ ना मुझे बहुत तकलीफ होती है, मुझे ऐसे लगता है इनको चलने में तकलीफ होती होगी, फिर मुझे लगता है इनको दौड़ने में तकलीफ होती होगी, नहीं अच्छा नहीं लगता सच में। फिर वो अभी तो कपड़े से ढक लेते होंगे, बाथरूम में खुद को देखते होंगे तो बड़ी तकलीफ होती होगी। सच में गृहस्थी आदमी को बिल्कुल मोटा नहीं होना चाहिए, बाबा मोटा होगा तो अकेला ही परेशान होगा, गृहस्थ मोटा हो तो कईयों को परेशान करता है और घर वालों को भी परेशान करता, जो दुखी आदमी होता है ना कईयों को दुखी करता, माता पिता जो उनसे प्यार करते हैं। तो जो पतला होना चाहते हैं, डायबिटीज नहीं है तो एक काम करो, नींबू और शहद लो, आपकी एनर्जी कम नहीं होगी। मैंने ऐसे 9 दिन तक प्रयोग किया और मैं सुबह 4 बजे से लेकर 8 बजे तक 250-300 दंड बैठक लगाना और सारा काम करना, थकान नहीं होती और जितना चाहे उतना वेट लॉस कर सकते हैं। मेरे पास तो टेक्निक है, आप एक दिन में अपना 2 किलो वजन बढ़ा सकते हैं और एक दिन में 2 किलो घटा सकते हैं, ये टेक्नोलॉजी मेरे पास में, मैं मुफ्त में सिखाता हूँ। सीक्रेट कुछ नहीं रखता। चलो अगली बात करता हूँ। तो आप में से जो वजन कम करना चाहते हैं, डायबिटीज नहीं है, तो आप 100-200 ग्राम शहद दिन में सुबह दो, फिर हर 2 घंटे के बाद थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहे, पानी नहीं पियेंगे तो एकदम कमजोरी आ जाएगी।
तो दो दो घंटे के बाद, एक एक घंटे के बाद आप पानी पीते रहे, एक चम्मच शहद लिया, नींबू लिया, नींबू आप करीब 8-10 नींबू पी सकते हैं दिन भर में, कोई दिक्कत नहीं है। और नींबू को जब पानी में डाल दिया जाता, शहद के साथ डाल दिया जाता, तो एसिडिक नहीं होता, ये मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ। तो आप नींबू और शहद लीजिए और जो मैं बता रहा हूँ उसको करना, आप अपना एक महीने में 15-20 किलो वजन कम कर सकते हैं, तो सब स्मार्ट हो जाएंगे, कितना अच्छा लगेगा। और ऑबेसिटी एंड स्ट्रेस, ये दो तो बड़े कारण हैं मोटापा के, वो मैं अभी बताऊंगा आपको। तो अभी मैं शुरुआत मेडिटेशन से कर रहा था, तो आपको ध्यान लगाना है, तो एक तो संकल्प से आप ध्यान लगा सकते हैं, इसका अभ्यास करना पड़ेगा आपको। जैसे मुझे से बहुत लोग बोलते हैं, बाबा जी आपको नींद कैसे आती है? मैंने कहा तुम्हारा पूछने का मतलब क्या है? बोला आप सुबह से शाम तक इतना काम करते हो, हजारों करोड़ रुपए का आप स्वदेशी का एम्पायर चलाते हो। ठीक है भाई, हमारा कुछ लोग उसको कहते हैं व्यापार, हमने कहा ये व्यापार नहीं, ये उपकार है। ये व्यापार नहीं, ये उपकार है। कैसे? कोई भी आदमी पैसा किसके लिए कमाता है? पैसा इसलिए कमाता है कि मैं उससे कुछ सुख भोग करूंगा। मैं तो जमीन पर सोता हूँ, ये दो कपड़े पहनता हूँ, फटते ही नहीं, 8-10 साल हो जाते हैं, क्योंकि मैं कोई वॉशिंग पाउडर नहीं यूज करता, तो एक फटते ही नहीं। सच्ची जब बहुत पुराने हो जाते हैं तो हम इनकी गुदड़ी बना लेते हैं, काम आते हैं, तो फिर किसके लिए करना? हमने स्वदेशी का जो काम किया, सारे जितने भी MNCs कंपनियां बनाती हैं वो 25-50 प्रोडक्ट बनाती होंगी, हम 500 प्रोडक्ट बनाते हैं, 500 प्रोडक्ट। और लक्ष्य क्या है? वर्ल्ड क्लास क्वालिटी, लो प्राइस एंड प्रॉफिट से 100% चैरिटी। भरत भाई आप भी ऐसे करो। नहीं काफी करते हैं, मैं इनको 100 पर ले आऊंगा, अभी राम भरत मिलन हो गया अभी तो। 100% चैरिटी प्रॉफिट से। खैर वो हमारा एक अलग है, हम साधु हैं थोड़े, अभी गृहस्थ है ना, तो थोड़ा अभी इनको भी बाद में सन्यासी सभी को बनना होता है लास्ट में, ऐसा भारतीय परंपरा, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास। खैर संकल्प समाधि, तो मैं रात, जैसे मैं दिन भर इतना काम करता हूं, कोई क्षेत्र ऐसा छोड़ा नहीं जहां मैंने काम ना किया हो, योग तो पूरा जीवन ही योग है, तो जीवन के हर पहलू में योग है। मैं खेती भी करता हूं, मुझे बहुत अच्छी खेती करनी आती है, मुझे बहुत अच्छी रसोई भी आती है, हलवा बहुत अच्छा बनाना आता है, खीर बहुत अच्छी बनानी आती है, बाकी सारे जितने भी पाक हैं बड़े बढ़िया से बढ़िया मिष्ठान है, वो सब बनाने आते हैं। मुझे झाड़ू भी बहुत अच्छी लगानी आती, कई तरह से झाड़ू लगाता हूँ, झाड़ू भी लगानी आती, सफाई से लेकर के, लिखाई से लेकर के, पढ़ाई से लेकर के। मैं बेसिकली मैं एक आचार्य हूँ, तो मैं पहले गुरुकुल में ही प्रिंसिपल था, मैं पढ़ाई भी बहुत अच्छी आती, दवाई भी बहुत अच्छी आती, सब करता हूँ। सब करके जब रात को सोता हूँ ना, तो ऐसे कि भगवान मेरी माँ और मैं उसकी गोदी में सो गया हूँ, तो भगवान अपनी गोद में ले लो और सुला लो। मैं मुश्किल से कभी 1 सेकंड, कभी 5-10 सेकंड लगते होंगे मुझे सोने, सो जाता हूँ। अब सोना है तो सोना है, इसे काम करना है तो काम करना है। संकल्प से सारे काम होते हैं, संकल्प से ही सृष्टि उत्पन्न हुई है। अकाम्यता तस्मात इमा प्रजा अजायत, भगवान के संकल्प से ही सारी सृष्टि हुई। तो संकल्प से आप समाधि लगा सकते हो कि मुझे अब भगवान में समाहित होना है, बस मैं अपना एक्सपीरियंस कह रहा हूं। फिर आप कैसे करेंगे ऐसा? भगवान में समाहित होना तो दिखता ही नहीं है, कैसे समाहित होंगे? तो मैं इसका थोड़ा सा एक दो सब वाक्यों में इसका विस्तार बताता हूं। भगवान के दो रूप हैं, एक मूर्त है एक अमूर्त है। अमूर्त का ध्यान होता नहीं है, मतलब किया नहीं जाता है, वो हो जाता है मूर्त के ध्यान में आप प्रतिष्ठित हो जाते हैं। तो भगवान का ध्यान कैसे करना? दिस होल यूनिवर्स इज द विजिबल फॉर्म ऑफ गॉड, दिस होल यूनिवर्स इज द अल्टीमेट क्रिएशन ऑफ गॉड, यस्य भूमि प्रमांतरिक्षम, यस्य भूमि प्रमांतरिक्षम उतोदरम दिवम यशक्रिमूर्धानम तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ये दिवलोक भगवान का सिर है, अंतरिक्ष लोक भगवान का उदर है, ये पृथ्वीलोक भगवान के पैर हैं, ये भगवान की प्रतिमा है। इस पूरे अस्तित्व में, शरीर की एक एक कोशिका में, पिंड की एक एक कोशिका में, ब्रह्मांड के एक एक परमाणु और बड़ी बड़ी इकाइयों में भगवान ही की रचना का, उसकी महिमा का, उसके सामर्थ्य का प्रत्यक्ष करना, एक एक अस्तित्व कितना रहस्यपूर्ण, रोमांचक, वैज्ञानिक है।
यहाँ लोग बोलते हैं मुझे रोमांस हो गया है, उसको प्यार बोलते हैं आपस में, लव बोलते हैं, जो भी कहें। इतना रोमांचक है भगवान का अस्तित्व, इतना रहस्यपूर्ण, इतना वैज्ञानिक है, एक एक सेल उसके फिर पूरा स्ट्रक्चर, जीन्स, क्रोमोजोम्स तक जाते हैं। तो मैं तो जब प्राणायाम सिखाता हूँ तभी ध्यान लग जाता है मेरा, मैं कहता हूँ तुम प्राणायाम करो। मॉडर्न मेडिकल साइंस में बोला जाता है डीजनरेट हुए सेल रीजनरेट नहीं होते हैं। चंडीगढ़ में कल एक बहन मिली, उसका नाम स्वामी प्यारी है, उसको, आपको तो बहन थोड़ा रीजनरेशन हुआ था, उसको कैंसर प्लस डीजनरेट फ्यूज हो गए थे सब ऊपर से नीचे तक। तो वो उसको स्ट्रेचर पर लेटा के लेके आए थे हरिद्वार, गाड़ी में सीधा ले और फिर स्ट्रेचर पर। उसने एक एक घंटा प्राणायाम किया 3 बार, अनुलोम विलोम, कपालभाति तो थोड़ा थोड़ा कर पाती थी वो लेट के, इतना ही बस। उसका कैंसर पूरा क्योर हो गया और डीजनरेट में सारे वर्टिब्राज रीजनरेट हो चुके हैं। ये एक मणके की बात नहीं, पूरी स्पाइनल कॉर्ड डीजनरेट में सेल रीजनरेट होते हैं, चाहे वो बोन सेल्स है, चाहे ब्लड सेल्स है, चाहे स्किन सेल्स है। और इसकी हमारे पास देखो, हमने इसका पूरा साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन भी किया, रिसर्च भी हमारे, हमने तो पूरा रिसर्च का डिपार्टमेंट एक बनाया हुआ पतंजलि रिसर्च सेंटर। खैर, तो आपसे बात कर रहा था, आप जब ऐसा ऐसे ध्यान से देखेंगे ना, ध्यान से देखेंगे, देखते तो हैं, कैसे देखना, क्या बोला, ध्यान से देखना, मेरे साथ मंत्र बोलो, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्य नाहं प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। भगवान कृष्ण कहते हैं मैं उनके लिए एक क्षण के लिए भी ओझल नहीं होता जो मुझे सब में देखते और मुझ में सबको देखते। तो भगवान का तो प्रत्यक्ष है, तो मैं कह रहा था भगवान का ध्यान कैसे करना, भगवान का प्रत्यक्ष कैसे करना। इस ये बड़े शब्द हैं, आत्म प्रत्यक्ष, परमात्मा प्रत्यक्ष, उसको अंग्रेजी में बोलते हैं सेल्फलाइजेशन, गॉडलाइजेशन। अब ये है क्या, तो इसकी शास्त्रीय व्याख्या तो लंबी है, आत्मा और मन अर्थात बुद्धि के संयोग विशेष से आत्मा प्रत्यक्ष होता है, न्याय दर्शन का सूत्र है महर्षि गौतम का। अब ये लंबी चौड़ी सूत्र नहीं कह रहा हूँ मैं, सामान्य कह रहा हूँ, ये आत्मा प्रत्यक्ष और परमात्मा प्रत्यक्ष, उससे मैं दो शब्दों में कह रहा हूँ उसको, ये सारा मूर्त रूप भगवान का है, इसमें परमात्मा का प्रत्यक्ष करना, इसके लिए थोड़ी सजगता जागरूकता चाहिए तो हो जाता। तुम्हारा तो खुले आंखों से भी ध्यान होता है, मैं ये अब बड़ाई के लिए नहीं कह रहा हूँ, आपको सच कह रहा हूँ, खुली आंखों से भी ध्यान होता है, भगवान ही का दर्शन होता है, सर्वम खलो इदम ब्रह्म, और बंद आंखों से भी इसी का दर्शन होता है। लेकिन इसका अभ्यास किया मैंने करीब करीब 40 साल, बचपन से अभ्यास करने लगा हूँ, 40 साल इसका अभ्यास किया है। तो ये तो होगी संकल्प समाधि, ये सबसे नहीं होगी, इसमें तो थोड़ा समय चाहिए। तो फिर कैसे करें, एकदम आप अभी जो बात कर रहे थे योगश्चित्त वृत्ति निरोधक, आप एक वृत्ति शून्य अवस्था में चले जाए, शून्य में। लोग बीड़ी सिगरेट शराब नशा आदि भी करके कहाँ जाना चाहते, शून्य में तो जाना चाहते हैं लोग, अति सम्मान पा करके, 4 तरह का सुख चाहते हैं लोग दुनिया में, सत्ता संपत्ति सम्मान और वैश्विक सुख, ये कहाँ लेके जाता आदमी, शून्य में लेके जाता। तो वैसे ही चले जाओ ना, तो फिर सत्ता के लिए संघर्ष करोगे तो बहुत मेहनत पड़ती है, नरेंद्र भाई मोदी से पूछ लेना कितनी मेहनत करनी पड़ती है, संपत्ति के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, ये अंबानी बंधुओं से पूछ लो, ये अनिल अग्रवाल से पूछ लो, ये हमारे रतन टाटा जी से पूछ लो। सत्ता संपत्ति सम्मान पाने के लिए कितने जुगाड़ तिकड़म करते हैं लोग, पद्मश्री से लेकर के पद्म भूषण, भारत रत्न, और जो है वो कौन सा होता है, नोबेल पुरस्कार है साहब, बहुत बहुत तिकड़मबाजी, बहुत कैंपेन लॉबिंग करनी पड़ती है। सत्ता संपत्ति सम्मान, वैश्विक सुख पाने के लिए भी आदमी को क्या क्या करना पड़ता है। एक लड़के से मैं पूछा, बेटा किसी से अफेयर हुआ, बोले ये बहुत झंझट वाला काम है, किसी को खुश रखने के लिए बहुत तिगड़म करना पड़ता है, मैं अपनी पढ़ाई में ध्यान दे रहा हूँ अभी, बहुत उसके लिए गिफ्ट ले जाना पड़ता है, फिर घुमाने के लिए ले जाना पड़ता है, हमको तो यही नहीं पता आज तक, मैं सच बता रहा हूँ, हाँ अभी एकदम ओपनली, हम एकदम फ्रेंक रहते हैं भाई, देखो
हमको अभी तक ये नहीं पता है डेट का मतलब क्या होता है। मैंने किसी से पूछा भी नहीं, और पूछा मेरे को इसमें इंटरेस्ट भी नहीं, लेकिन बोले बाबा जी इनमें बहुत लफड़ा है, बहुत लफड़ा इन सब चीजों को। तो अपने आप ही अंदर से सुखी हो जाओ ना, तो कैसे हो जाओ? तो मैं आपको कुछ सिंपल टेक्निक बताता हूं। ये तो हो गया संकल्प समाधि, मैंने उसको चार शब्द बोले योग दर्शन के प्रथम पाद के सूत्र हैं। पूरा योग दर्शन हमने तो बहुत पहले याद कर लिया था जब छोटे बच्चे थे तभी, लेकिन आपको मैंने उसका सार के रूप में कहा विचार पूर्वक संकल्प पूर्वक ध्यान लगाना, सविचार समाधि, फिर उसके बाद निर्विचार समाधि, आगे की स्टेजेज है। तो अब एक है सक्रिय समाधि, क्रिया से अक्रिय अवस्था में जाना। तो ये आप कर सकते हो, सभी आपको एक्सपीरियंस करना है तो उसको कर सकते हो। धीरे धीरे फिर आप में धैर्य बढ़ेगा और आपकी विषय शक्ति भी कम हो जाएगी, यम नियमों का पालन अपने आप शुरू हो जाएगा। ऐसे कई तरह की टेक्निक्स हैं, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। जैसे जैन परंपरा में प्रेक्षा ध्यान की पद्धति है, बौद्ध परंपरा में विपश्यना की पद्धति है, ऐसे ही अब देखिए। तो आप जो ये जो प्रक्रिया भी जो मैं बता रहा हूँ, दो तीन प्रक्रिया बताऊंगा अभी, वो खाली जो पूर्ण स्वस्थ व्यक्ति वो करना, बीमार नहीं करना। बीमारों के लिए तो हम जैसे बताते हैं 5 सेकंड में लेना, 5 सेकंड में छोड़ना, ये दिस इज द सेफ प्रैक्टिस बीमारों के लिए, ये है। वन सेकेंड वन स्टॉप बीमारों के लिए है। पांच सेकेंड में लेना, 5 सेकेंड में छोड़ना, लेना छोड़ना 5-5 सेकेंड में, और खाली छोड़ने वाली प्रक्रिया ये कपालभाति 1 सेकेंड में 1 स्टॉप, मीडियम फास्ट मीडियम स्पीड। ये बीमारों के लिए बता दिया है, इसलिए बीमार लोग इतना ही करना। अब जो स्वस्थ है वो 1 मिनट में नहीं 1 सेकंड में ध्यान लगेगा आपका, और उसकी निरंतरता, उस ध्यान की निरंतरता, इसको 3 शब्दों में बोला जाता है। जो ध्यान लगा उसको पहली स्टेज को बोलते हैं धारणा, देश बंध चित्त से धारणा, कंसंट्रेशन, टिक गया मन आपका, दिस इज द फर्स्ट स्टेज। फिर उसकी कंटिन्यूटी, तत्र प्रत्यय एकतानता निरंतरता तद ध्यानम, तत्र प्रत्येक तानता ध्यान, तदेव अर्थमात्रभासम स्वरूप शून्यम समाधि, ये 3री स्टेज है। तो आप कैसे करेंगे? अब देखिए, ध्यान लगाने के लिए 3 प्रक्रियाएं बता रहा हूं, क्रिया से अक्रिय अवस्था में जाने के लिए। तो एक मिनट आप कर पाएंगे, इससे ज्यादा कर ही नहीं पाएंगे। मैंने तो देखा पहलवान में भी इससे ज्यादा सामर्थ्य नहीं होता, कोई बहुत प्रैक्टिस कर लेगा तो 2 मिनट कर सकता है, इससे ज्यादा तो कर ही नहीं पाएगा। कैसे? देखो, ऐसे सीधे बैठ करके और मैंने करीब 20-30 सेकंड करके आपको, आज चक्र में ध्यान लगाइए, आप सहस्रार में ध्यान लगाइए, हृदय में, मणिपुर में, जहां भी आप ध्यान लगाएंगे वहीं धारणा ध्यान समाधि संयम प्रज्ञा लोक, 5 शब्द बोल दिए मैंने, ये 5ों चीजें आपके भीतर घटित हो जाएंगी। दिस इज द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट। क्रियायोग, क्रियायोग शब्द वैसे महर्षि पतंजलि का है, तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान यानी क्रियायोग। तप अपने आप होगा, आप अपने स्वरूप में ठहर जाएंगे और भगवान के प्रति समर्पण भी खुद घटित होगा। तप का बहुत व्यापक अर्थ है, प्राणायाम परमम तप, यहां से मैं शुरू कर रहा हूं। नेक्स्ट एक टेक्निक है, आप प्रयोग करके देख लेना अगली बार। कपालभाति मैंने बहुत करवाया लोगों को और उसके बेनिफिट्स भी बहुत जबरदस्त है। ये कपालभाति कुंडलिनी जागरण के लिए, ऊर्ध्वरेता होने के लिए, ध्यान लगाने के लिए। मेरी भी बहुत बड़ी समस्या थी, मैं अपने बताता हूं। कई वर्ष बीत गए थे, मैं क्या करता था, ऐसे बैठता था तो ऐसे मन में सोच लिया कि विचार नहीं करना, तो फिर क्या आ जाती, नींद आ जाती थी। विचार नहीं करोगे तो क्या आएगी, नींद आएगी, सीधी सी बात है। तो चित्त सामान्यतः 2 धर्मों को जानता है, सोचना और सोना, 2 ही धर्मों को जानता है, 3री धर्म को नहीं जानता। तो जो है
ये टेक्निक मैंने अपनाई तो वो जो निद्रा की ग्रंथि है उससे पार चले जाते हैं। तो आप में से भी यदि किसी को ऐसी प्रॉब्लम हो, मेडिटेशन करते हो और जैसे ही डीप जाने की कोशिश करते हैं मेडिटेशन में, विचार रुकते ही नींद आ जाती है। विचार कोई नहीं करेंगे, वैसे निद्रा एक वृत्ति है, प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृति वृत्तयः पंचतयः क्लिष्टाः क्लिष्टाः, ये है। तो निद्रा एक बहुत बड़ी वृत्ति है, स्मृति को भी आप रोक लेते हैं, प्रत्यक्ष अनुमान आगम प्रमाण विपर्य इन सब परे चले जाते। तो ये देखो, एक मिनट में 120 to 150 स्ट्रोक्स, ये थोड़ा कठिन है, ऐसे होगा इसको, या थोड़ा हिल, ये कुर्सी पे बैठा हो ना, ये मामला गड़बड़ है, इसलिए योगी को सिंहासन पर नहीं बैठना चाहिए, योगी को आसन पर ही बैठना चाहिए, ठीक है? तो मैं आसन पर जाता हूँ, ऐसे सिद्धासन में भी बैठ के हम लोग करते हैं, सिद्धासन होता है, बाएं पैर नीचे दाएं ऊपर, बाएं पैर का पंजा दाहिने पैर की पिंडली और जंघा के बीच में, दाहिने पैर का पंजा बाएं पैर की पिंडली और जंघा के बीच में, दोनों घुटने जमीन पर और हाथों को, आजकल ये नेट के ऊपर जो चित्र भी मिलते हैं जहां भी ध्यान का चित्र, ऐसे अंगुली फैलाई ऐसे चित्र दिखाते हैं, दिस इज नॉट राइट, दिस इज राइट पोजिशन ऑफ ध्यान मुद्रा, ऐसे बैठना चाहिए, ऐसे तो आपको ध्यान लगाना है। तो मैंने पहली पोजीशन तो बताई थी, ऐसे फास्ट ब्रीदिंग, भस्त्रिका तेज, कपाल भाति तेज, अनुलोम विलोम तीव्रता पूर्वक करना, जैसे भोग के वेग में योग को अवकाश नहीं होता, काम का, क्रोध का, लोभ का, अहंकार का वेग जब बहुत होता है ना, तब आदमी को कितना ही समझाओ आदमी उसमें अंधा हो जाता है, ऐसे योग के वेग में भोग को अवकाश नहीं होता, ये मैंने एक्सपीरियंस किया, वो आपको बता रहा हूं। देखो तीन तरह से बता रहा हूं, फर्स्ट जो भस्त्री का मैंने बताया था, ऐसे मैंने हरिद्वार में दो कई बार चार डिग्री टेम्परेचर होता है, मैंने पूरे शरीर में 2 मिनट में पसीना चूता हुआ देखा है। ये तो इसमें एनर्जी बढ़ती है, पावर चाहिए ना सबको, तो ये तो पावर योगा हो गया आपका, ठीक है? तो 2 मिनट के अंदर पूरा पसीना चूने लगता है। बहुत से लोग कहते हैं बाबा जी आप गर्म कपड़ा क्यों नहीं पहनते, पहने कहां से, इतनी गर्मी भीतर वाली हो सही नहीं जाती, 2 मिनट ही कर लेना, आपको गर्म कपड़ा पहनने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक गारंटी की बात कहता हूं। ये तो मैंने एक बाह्य उसका लाभ बताया है, और मन एकदम शांत हो जाता है पूरी तरह से। ऐसे भी बैठ सकते हैं, इसको वायु मुद्रा कहते हैं, ऐसे 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 बैठ सकते हैं, ऐसे बैठ सकते हैं, जिनको अर्थराइटिस है, घुटनों में दर्द है, डिजनरेशन है बोन्स में, वो ऐसे बैठे ऐसे, ये ठीक। दूसरा कपाल भाती, अब देखो मैं इसको तीव्रतापूर्वक कर रहा हूं, आप भी मेरे साथ मैच कर सकते हैं। आप लोग खा पी क्या है? मैं खाली पेट आया हूँ, तो आप कर सकते हैं, वैसे खाए पिए आपको नाश्ता थोड़ा ही तो किया होगा ना, 4 घंटे बाद कर सकते हैं। देखो ऐसे अभी मैंने 50 बार कर दिया है, बहुत फास्ट होता है, एकदम ध्यान लग जाता है, मैंने इधर उधर ध्यान जाने का प्रश्न ही नहीं, हो ही नहीं सकता, एकदम ध्यान लग जाएगा। ये ऐसा क्रियापूर्वक ध्यान है, इसको क्रिया योग कहते हैं, क्रिया योग। तीसरी चीज, ये कुंडलिनी जागरण मूलाधार से सहस्रार्ध है ना। तीसरा ऐसे अनुलोम विलोम नाड़ियों की शुद्धि के लिए, देखो ऐसा ये अनुलोम विलोम तो धीरे धीरे करते हैं, फास्ट करना है ना। तो ऐसे मैं आपको जानकारी के लिए बताता हूँ, ये जो मैंने जिस गुरु से इसके बारे में विशेष रूप से सीखा था, वो दुनिया में नहीं रहे, उन्होंने हमको बहुत फास्ट सिखाया था, ये वाले तरीके से सिखाया था, और बोले बेटा आधा घंटा करो कुंडलिनी जागृत हो जाएगी। और मैंने देखा आधा घंटा करने की बात, सच बता रहा हूं, आधा घंटे के बाद कुछ लोगों के तो ऐसे हाथ ऐसे ऐसे, कुछ लोग सूर्य नमस्कार करने लगे, कोई शीर्षासन करने लगे, फिर कुछ ऐसे वाओ, मैंने कहा ये क्या हो गया, चीखने लगे, चिल्लाने लगे, तो उनके अंदर भिन्न भिन्न प्रकार की क्रियाएं होने लगी।
मैंने कहा ये तो बड़ा खतरनाक मामला है, तो मैंने वो करवाया ही नहीं फिर फास्ट वाला। मेरे एक मित्र हैं मुक्तानंद जी, हम साथ ही हैं गुरुकुल से पढ़ते इसमें, तो वो जब वो दो चार को कराते, मैंने कहा महाराज दो चार को तो संभाल लो, कि मैं तो मेरे सामने तो 25-50 हज़ार लाख लोग होते, किसी में हुआ हो के कुछ हो गया तो फिर अगले दिन हेडलाइन वही बनेगी।